डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेशाय वर्ल्ड पर। तो साथियों, आज की वीडियो के अंदर 12th केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जी हाँ, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब शॉर्ट फॉर्म इसका बनता है भाई एस, स्टैंडर्ड का एस, हाइड्रोजन का एच और इलेक्ट्रोड का ई। बिल्कुल एस एच ई। कभी कभी तो यार ये पेपर में एस एच ई के नाम से ये जाता है कि भाई एस एच ई क्या है। ये भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब सर ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है? तो देखो, आपको यहाँ पर बोला गया है ना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। भाई इलेक्ट्रोड तो है, लेकिन ये किसका इलेक्ट्रोड है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, मतलब इसमें हाइड्रोजन का कुछ ना कुछ सिस्टम रहता होगा, इसीलिए इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोला जाता है। ठीक है, अब मानक है, बिल्कुल मानक स्थिति ली जाती है। और मानक स्थिति क्या होती है भाई? मानक स्थिति में क्या करते हैं हम? 25 डिग्री सेल्सियस ताप लेते हैं और 1 atm दाब लेते हैं और सांद्रता कितनी होती है बेटा? 1 mol/L। ये मानक ताप, मानक दाब और मानक सांद्रता है। ये मानक ताप है, ये मानक दाब है और ये मानक सांद्रता। मतलब मानक स्थिति में, मतलब स्टैंडर्ड स्थिति में हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाना है। तो आओ हम बताते हैं कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो भाई अगर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना है तो इसके लिए आपको इस प्लेटिनम तार की आवश्यकता होगी। जो आपको दिख रहा है ना स्टाइल से घुंघराला सा, ये एक प्लेटिनम तार। इस प्लेटिनम तार की आवश्यकता होती है और इस प्लेटिनम तार के निचले भाग में जो आपको दिख रहा है ना एक चक्की लगी होती है, ब्लैक लेपित, मतलब काले कलर की जो है ना, काले कलर की प्लेटिनम की क्या होती है? चक्की लगी रहती है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि काला कलर इस पर कर दिया जाता है। किस टाइप की होती है सर? तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई। जैसे मान के चलो यार, ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये हमारे पास चक्की, क्योंकि भाई इलेक्ट्रोड जो प्लेटिनम का तार है उसको स्टैंड करने के लिए, खड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो एक ऐसी एक चक्ती लगी होती है, एक स्टैंड का काम करती है, तो ये ब्लैक लेप पे चक्ती है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इसमें प्लेटिनम का तार होता है। ठीक है, जिसके निचले भाग में प्लेटिनम की चक्ती लगी होती है। आगे क्या करते हैं बेटा, जो प्लेटिनम का तार होता है इसको कांच की नली में फिट कर देते हैं। ये तो दिख रही है ना आपको, ये कांच की नली है, इसमें फट कर देते हैं, जिसके ऊपरी सिरे पर एक प्रवेश द्वार होता है और भाई यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना ना, तो हाइड्रोजन का कुछ ना कुछ काम यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं। इस साइड से जो इलेक्ट्रोड बनता है बेटा, इस इलेक्ट्रोड को हम 25 डिग्री सेल्सियस ताप, 1 atm दाब पर 1 mol/L सांद्रता वाले विलयन में क्या कर देते हैं? डुबा देते हैं। तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रोड तैयार होता है बेटा, वही हमारा एस एच ई, मतलब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है। क्लियर हुआ? ये हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना है भाई। इसकी थ्योरी लिखें तो भाई यही लिखना पड़ेगा कि भाई मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए प्लेटिनम तार की आवश्यकता होती है, जिसके निचले भाग में एक प्लेटिनम की ब्लैक लेपित, काले कलर से बानस काले कलर कर दिया जाता है, एक चट्टी होती है जिस पर ऊपर खड़ा कर दिया जाता है। ठीक है, इस प्लेटिनम तार को एक कांच की नली में फिट कर दिया जाता है, जिसके ऊपरी सिरे पर एक प्रवेश द्वार होता है जहां से हाइड्रोजन गैस को इसमें प्रवाहित करते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित कर दिया, इसके बाद हम क्या करते हैं, इस प्रकार से जो इलेक्ट्रोड बनता है इसको 25 डिग्री सेल्सियस ताप, 1 atm वायुमंडलीय दाब और 1 mol/L सांद्रता वाले विलयन में दबा दिया जाता है, और इस प्रकार से जो इलेक्ट्रोड बनता है साथियों, वही क्या होता है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहाँ पर आप इसकी थ्योरी देख रही होगी। अब आगे इसका काम क्या है, इसका यूज क्या है, इसकी रिएक्शन कैसे होती है, वो हम आपको समझाते हैं। तो भाई आगे आपने देखो क्या समझना है, देखो आगे आपको ये समझना है कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है बेटा, इसका जो विभव होता है ना वो शून्य होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में आपसे एक नंबर में भी पूछता है और ये बार बार पूछा जाता है भाई मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका विभव शून्य होता है। अब आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब इस इलेक्ट्रोड का विभव जब शून्य होता है तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है फिर? तो ध्यान रखना भाई, इसका विभव तो शून्य होता है, लेकिन इसकी सहायता से जैसे अन्य धातु है, जैसे जिंक धातु है, कॉपर धातु है या फिर कोई और धातु है, अन्य धातुओं का हम विभव ज्ञात कर सकते हैं इसकी सहायता से। ठीक है, अब ध्यान रखना, जब हम अन्य धातुओं का विभव इसकी सहायता से ज्ञात करेंगे तो भाई हमें विभव का सूत्र लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? विभव का सूत्र। और विभव का सूत्र क्या होता है भाई? विभव ऑफ एनोड माइनस विभव ऑफ कैथोड, विभव ऑफ कैथोड, ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। बोलो लगाना पड़ेगा, मतलब
जब ये अन्य धातु का विभव ज्ञात किया जाएगा तो कभी ये एनोड की तरह भी काम करेगा और ये कभी कैथोड की तरह भी काम करेगा, जब तो हम किसी का विभव ज्ञात कर सकते हैं। जब तो हम किसी का विभव क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एनोड की तरह भी कार्य कर सकता है और कैथोड की तरह भी कार्य कर सकता है। मैं किसी धातु का विभव ज्ञात करके भी आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। तो अगर ये एनोड की तरह कार्य करेगा, एनोड की तरह कार्य करेगा तो क्या होगा, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण। इस बात को आपको याद रखना है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन दान किए जाते हैं, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन दान किए जाएंगे। तो भाई इस पे क्या है, इस जो SH है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जब ये इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो क्या होगा, इस पे है क्या, तो इसके अंदर तो हाइड्रोजन ही है, क्या है, हाइड्रोजन। तो जब ये भाई इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो देखो, एक हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन दान करता है, एक दान करता है, एक हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन दान करेगा, एक। बट H2 है, कितने हाइड्रोजन है, दो, तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन दान करेगा, और दो इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो कितने H प्लस बनेंगे, दो ही H प्लस बनेंगे, क्योंकि दो H है ना, तो दो H, ठीक है। अब आगे देखो, अब एनोड की तरह कार्य कर दिया तो इसमें क्या हो गया, ऑक्सीकरण, ठीक है। अब यदि जो आपका SHE है वो कैथोड की तरह कार्य करेगा, कैथोड की तरह कार्य करता है, तब क्या होगा, तो बस एनोड का जस्ट उल्टा कैथोड पर होता है, ठीक है। एनोड पर ये हुआ तो इसका उल्टा कर दो कैथोड पर, मतलब इस तरफ का SRF देखते, इस तरफ का इस तरफ, ठीक है। तो ये 2H और अब दो इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेगा और क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कैथोड, तो एनोड की तरह कार्य करेगा तो ये रिएक्शन चलेगी, और कैथोड की तरह कार्य करेगा तो ये रिएक्शन चलेगी। बस यही कहानी है, इसका कोई और तो वो नहीं है, बस यही माना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जो हमने आपको बताया है। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब थोड़ा सा आपको विभव, किसी शेल के विभव का सूत्र और लिखना है जो आपके लिए जरूरी होगा, ठीक है। अगर हमें किसी भी शेल का विभव निकालना है, ठीक है, अगर हमें किसी शेल का बेटा क्या निकालना है, विभव निकालना है, तो उसका सूत्र क्या होता है, ई कैथोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। मतलब आपको क्या करना है, कैथोड के विभव में से एनोड के विभव को क्या कर देना है, घटा देना है। तो किसी भी सेल का जो विभव है वो निकाल सकता है, ये आप सूत्र अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से लिख लेना, किसी सेल के विभव निकालने का ये सूत्र है। कैथोड के विभव में से क्या करना है भाई, एनोड के विभव को घटाना है, ठीक है। और भाई विभव को हम ई से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, ई से, लेकिन मानक विभव को हम ई नोट से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम बनाना है, थ्योरी बता दी, जो थ्योरी पहले बताई थी उसके बाद ये लिखना है, बस ये खत्म हो गया, ठीक है। तो समझ में आया होगा, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो फिर आगे हम क्या करेंगे भाई, आगे हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।